हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पता है, ओ लेवल गुरुजी चैनल पर लगातार आप लोगों की ओ लेवल M1 R5 की तैयारी करवाई जा रही है। इसी के साथ साथ आपकी M2 R5 की भी तैयारी हो रही है और कल मैंने आप लोगों को M3 R5 की भी वीडियो अपलोड करके दी थी। ठीक है, लगातार हमारे चैनल पर अब आप लोगों की तैयारी की वीडियो स्टार्ट हो गई है। तो जो लोग भी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ठीक है, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप लोगों को मिल सके। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के पार्ट 2। ठीक है, आपको पता है मैंने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का पार्ट 1 आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था। अब इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो ये पार्ट 2 आप लोगों के लिए अब आ चुका है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ओ लेवल गुरुजी पर आ जाना है। जैसे ही आप ओ लेवल गुरुजी चैनल पर आते हैं, तो अभी कल हमने ये वाली क्लास अपलोड की थी आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, जो हमने पाइथन की आप लोगों को प्रोवाइड कराई हुई थी, तो ये आप देख सकते हैं। और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए, अगर उनको M1 R5 की अभी तक उन्होंने क्लास नहीं देखी है, तो सिंपल सा आप लोगों को प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, प्लेलिस्ट पर आने के बाद यहां मैंने आप लोगों के लिए सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। अब आपके M2 की भी प्लेलिस्ट बन गई है और पाइथन की भी नई प्लेलिस्ट बन गई है, जैसे वेब डिजाइन M2 R5 2024, इसमें आपकी एक वीडियो अभी अपलोड हुई है। आज शाम को आप लोगों को HTML के टॉप 50 क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं, तो देखना ना भूलिएगा। आज शाम के 7 बजे HTML के आपको टॉप 50 MCQ आज देखने के लिए मिलेंगे। ओ लेवल पाइथन M3 R5 MCQ के नाम से प्लेलिस्ट ये कल ही बनाई है हमने। ठीक है, तो एक ही वीडियो इसमें अपलोड है। M1 के लिए मैंने आपके लिए ये है M1 R5 जनवरी 2024, में हमारे 11 वीडियो अपलोड हुए हैं आपके जो जनवरी में एग्जाम है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे सारी अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। ओके, इसके अलावा हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, जिसपे आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे, और साथ साथ आप नोट्स के साथ साथ यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ ओ लेवल के अपलोड हो चुके हैं, और कल भी इस पे अपलोड हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिब्रे ऑफिस की जो क्लास हुई थी, इसमें कैल्क की ये क्वेश्चंस आप लोग के अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, कैल्क के जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बताए थे, ये भी आपके अपलोड हो गए हैं। तो वेबसाइट पर डेली विजिट करिए, ये सारे क्वेश्चंस हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड कर दिए, जिस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ठीक है, अभी हम लोग देर नहीं करते, अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आज की क्लास आप लोग को इस टाइम पे मिल रही है, क्योंकि आज मॉर्निंग में अपलोड नहीं हो पाई थी, इसलिए आज की क्लास आप लोग को इस टाइम पे मिल रही है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे सभी लोग इसका बेनिफिट्स ले सके। ठीक है, अभी हम लोग अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। बाकी सारी प्लेलिस्ट यहां पर आप लोगों के लिए तैयार हो चुकी है, अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्लेलिस्ट को आप लोग जो प्लेलिस्ट है इनमें से आप देख सकते हैं। पाइथन के MCQ के लिए प्लेलिस्ट है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूं, नहीं तो अभी वीडियो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो देखिए, याद रखिए, कंट्रोल एन नहीं होती है। ठीक है ना, कुछ लोग सोचेंगे कंट्रोल एन से ऐसे कि राइटर में होता है, कैल्क में होता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस में आपकी होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चाहे इम्प्रेस हो चाहे पावर पॉइंट, सब में होती है कंट्रोल प्लस एम। तो आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच कैन इंसर्ट चार्ट इन इम्प्रेस। ठीक है, कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट को लिब्रे ऑफिस में? तो आपको पता है, इंसर्ट मेन्यू में आके हम लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेन्यू वुड यू चूज टू सेट एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ अ स्लाइड इम्प्रेस। ठीक है, किस मेन्यू, किसके द्वारा हम लोग ये करते हैं? तो ये हम लोग किसके द्वारा करते हैं? स्लाइड के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ प्रेजेंटेशन मेड इन लिब्रे ऑफिस कैल। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है प्रेजेंटेशन का? तो आंसर क्या रहेगा? अनटाइटल्ड। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे कि स्लाइड 1 होगा, तो नहीं, अनटाइटल्ड इसमें होता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेन्यूज आर देयर इन द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मेन्यूज होती है? तो कितनी मेन्यूज होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? 10 मेन्यू हमारी होती है। मेन्यू मतलब इंसर्ट, फाइल, डिलीट, इस तरह के पूछ रहे हैं। ठीक है, फाइल हो गया, इंसर्ट हो गया, व्यू हो गया, उसकी बात हो रही है। तो 5 का आंसर रहेगा डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .odp। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स दैट कैन बी प्रिंटेड इन द मास्टर हैंडआउट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड कितनी प्रिंट कर सकते हैं हम लोग? 6 हम लोग मास्टर हैंडआउट में मैक्सिमम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर रहेगा 7 का डी। नेक्स्ट है, द डिफॉल्ट टेम्पलेट इन लिब्रे इन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। डिफॉल्ट में क्या होता है आपका? टाइटल एंड कंटेंट होता है। अगर डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिफॉल्ट में क्या आएगा? टाइटल एंड कंटेंट। आंसर रहेगा टाइटल एंड कंटेंट। नेक्स्ट है, इन इम्प्रेस यू कैन गो टू स्लाइड लेआउट फ्रॉम द मेन्यू। ठीक है, किसके द्वारा, क्या किस मेन्यू के द्वारा हम जाते हैं? तो व्यू के द्वारा हम लोग यहाँ पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यू विच डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट। ठीक है, जिसमें सिर्फ हमें क्या मिलता है? ओनली टेक्स्ट देखने के लिए मिलता है, तो कौन सा होता है? आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू अवेलेबल नहीं होता है? तो यहाँ पे पूछे क्वेश्चन हमसे पूछे, आउटलाइन नहीं होता है, नोट नहीं होता है, पेज नहीं होता है, मास्टर। तो इसमें कौन सा व्यू अवेलेबल नहीं होता है? आंसर आएगा मास्टर व्यू अवेलेबल नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ कमेंट इन इम्प्रेस। ठीक है, किस शॉर्टकट की के द्वारा कमेंट को हम लोग इंसर्ट करते हैं? तो आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी के द्वारा हम लोग इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड दैट कैन बी व्यूड ऑन अ पेज इन अ स्लाइड सॉर्टर व्यू इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो कौन सा रहता है इसमें हमारा, 10, 15, 12, 14। तो आंसर क्या रहेगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेन्यू इज द ऑप्शन ऑफ ऑप्शन ऑफ माइक्रो फाउंड इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, किस ऑप्शन में कहां पर हमें मिलेगा, किस मेन्यू में मिलेगा? तो वो रहेगा आपका टूल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो हमारा होता है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज कॉल्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेज मतलब जो पेजेस होते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे, एक तरह से स्लाइड कहलाती है वहां पे। तो ई पेज का तो कोई मतलब नहीं, स्लाइड कहलाती है। शीट आपकी किस्म होती है एक्सेल में या कैल्क में, और राइटर में आपके पेजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ग्रुप एन ऑब्जेक्ट इन इम्प्रेस। ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की होती है यहाँ पर ग्रुपिंग की बात करते हैं हम लोग, तो वो आपकी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी के द्वारा हम ये करते हैं। नेक्स्ट है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ विच शॉर्टकट की इन इम्प्रेस यू कैन स्टार्ट द स्लाइड फ्रॉम द करेंट स्लाइड। ठीक है, हमें क्या है, करेंट स्लाइड से स्टार्ट करना है, तो हम लोग को कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ शॉर्टकट की यू कैन स्टार्ट द स्लाइड सो फ्रॉम द करेंट स्लाइड। ठीक है, तो देखिए इसमें करेंट स्लाइड की बात करें तो शिफ्ट प्लस F5 में देखिए दो तरह से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको स्टार्टिंग से चलाना है, जैसे पहली स्लाइड से चलाना है, तो F5 प्रेस करिए, लेकिन अगर करेंट स्लाइड से चलाना है तो शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस मिनिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, मैक्सिमम 3000 होता है, मिनिमम कितना होता है आपका, 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फॉर एनिमेशन वी सिलेक्ट द स्लाइड क्लिक फॉर्मेट मेन्यू एनिमेशन। तो क्या हम लोग ऐसा करते हैं, पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हम लोग नहीं करते उसमें, क्योंकि उसमें तो बगल में ही होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, तो हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ाया था, तो आप लोग क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस वाली क्लास में, ओ लेवल M1R5 के नाम से, इसमें सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको इम्प्रेस की, तो आप लोग यहाँ से वॉच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस स्लाइड कैन बी कंट्रोल रिमोटेडली। क्या हम इम्प्रेस की स्लाइड को कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटेडली? यस, रिमोटेडली बाय ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन प्रेजेंटेशन अ प्रेजेंटेशन कैन बी एक्सपोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इम्पोर्टेड टू PDF। क्या ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, ऐसा पॉसिबल है, तो आंसर रहेगा ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल कैन बी एडिटेड टू द इम्प्रेस। ठीक है, कौन सी फाइल हम लोग एड कर सकते हैं इम्प्रेस में इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सी WAV फाइल हम लोग यहाँ पर एड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंटेशन मॉड्यूल ऑफ लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा इसका आपका, ट्रू, ट्रू आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हैंडआउट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंडआउट क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है। तो हैंडआउट क्या है, प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ द स्लाइड। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू प्रेस द एग्जिस्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डॉक्यूमेंट। कैसे हम लोग बाहर आते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से, पूछ रहे, तो कंट्रोल प्लस W से आएंगे हम लोग बाहर, तो आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस W, बिल्कुल सही। ओके, तो कंट्रोल प्लस W यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैन अ वीडियो फाइल एडिटेड टू द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ट्रू या फॉल्स? क्या हम लोग एड कर सकते हैं? तो बिल्कुल एड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल हम लोग बिल्कुल आसानी से एड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू ब्रिंग अप द टेक्स्ट बॉक्स। किस शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को लाते हैं? तो वो होती है हमारी F2 शॉर्टकट की के द्वारा ये हमारा पॉसिबल होता है, आंसर रहेगा F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कमांड वी कैन गो टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, किस कमांड के द्वारा हम लोग फर्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर जाते हैं? तो पहली स्लाइड पर जाने के लिए हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, आज आप लोग देख सकते हैं, रात तक अपलोड हो जाएंगे, और बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं लिंक्स वगैरह आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेसिंग एस्केप की ड्यूरिंग द स्लाइड सो एंड्स द प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर रहेगा, बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच एक्सटेंशन इज द सेव्ड फाइल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सेव। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव करते हैं? तो जो आंसर रहेगा आपके क्या रहेगा, .odp के द्वारा हम लोग करते हैं। 31 का आंसर रहेगा .odp। नेक्स्ट है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच मेन्यू इज कमांड नेम्ड मैक्रो कमांड। ठीक है, तो किस मेन्यू में हमें ये मिलता है? तो 32 का आंसर रहेगा आपका टूल्स। ठीक है, ये दूसरी तरह से पूछा गया, अभी फिर से इसी तरह से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेन्यू आर द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मास्टर हैंडआउट्स कमांड। ठीक है, किस मेन्यू में आपको ये मास्टर हैंडआउट्स कमांड मिलती है? तो वो आपकी मिलती है यहाँ पे व्यू में, तो आंसर रहेगा व्यू। नेक्स्ट है, 34 नंबर का क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। वो पूछा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, पेज ओरिएंटेशन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्र ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है यहाँ पे, 5% होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आएगा 5%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ यू वॉन्ट टू ऑल द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, अ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, द स्लाइड शो बटन इन कस्टम एनिमेशन टास्क पेन स्टार्ट द स्लाइड। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका आंसर क्या रहेगा आपका, फ्रॉम द सिलेक्टेड स्लाइड पे हमारा ये वर्क करेगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा फ्रॉम द सिलेक्टेड स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है, तो प्रेजेंटेशन वाला प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट नेम ऑफ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, डिफॉल्ट नेम आपका इस पे इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में कौन सा होता है, तो अनटाइटल लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इसका डिफॉल्ट नेम होता है। ठीक है, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी करिए, और इसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिए। ठीक है, जिससे सभी लोग क्या करें, बेनिफिट्स ले सके हमारी फ्री क्लासेस का। ओके, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे चैनल पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, अभी भी देखिए उसी तरह का क्वेश्चन आया है, कौन सा रहेगा, शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, आंसर रहेगा शिफ्ट प्लस F5। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड सॉर्टर कमांड इज फाउंड अंडर विच मेन्यू। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर कमांड किस मेन्यू में फाइंड होगी, तो वो आपकी किस में होती है, आपकी व्यू के अंदर होती है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैन नॉट फॉर्मेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल। ठीक है, किस फॉर्मेट का हम लोग यूज नहीं कर सकते लिब्रे ऑफिस में, तो जो आंसर रहेगा वो है HTML फाइल का, क्योंकि वेब पेजेस का इसमें हम यूज नहीं करेंगे, जो HTML के द्वारा बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विच कीवर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू एक्सिट द स्लाइड शो। ठीक है, किस शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग जो हमारी स्लाइड चल रही है उससे बाहर आते हैं, तो एस्केप की के द्वारा हम लोग उसमें बाहर आते हैं। नेक्स्ट है, की इज यूज टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन इम्प्रेस। ठीक है, किस की के द्वारा करते हैं हम लोग, होम की के द्वारा हम लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस बाय यूजिंग एक्सेप्ट। ठीक है, किसको छोड़कर हम लोग नहीं कर सकते, तो आपको पता है यहाँ पे कि कंट्रोल ओ से तो डायरेक्ट ओपन होती है, तो इसके द्वारा नहीं कर सकते, बाकी इन तीनों तरीकों से तो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट वन ऑफ द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन व्यू। ठीक है, कौन सा रहेगा इसमें आपका, 46 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्टर व्यू इसमें आंसर रहेगा, इज नॉट ऑफ द लिब्रे ऑफिस, तो शॉर्टर व्यू नहीं है। बाकी स्लाइड शॉर्टर हो गया, नॉर्मल व्यू हो गया, शॉर्टर व्यू नहीं होगा। ठीक है, और जो होंगे कौन से, तो बोथ वाले आंसर इसमें हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कैन बी एक्सपोर्टेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, किस फॉर्मेट में हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो जैसे किसमें दिया हुआ है, पहला GIF हो गया, PDF हो गया, BMP हो गया, या फिर ऑल। ठीक है, तो जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, सभी फॉर्मेट में हम लोग कर सकते हैं, तो आंसर रहेगा आपको ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। ठीक है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, Ctrl+M। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की यूज फॉर द टेक्स्ट बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो किसके द्वारा हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को करते हैं, वो रहेगा आपका यहाँ पे F2 के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट है, यू कैन ओपन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बाय यूजिंग ऑल ऑफ द ऑप्शन एक्सेप्ट वन। ठीक है, किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं ओपन, और किसके द्वारा नहीं कर सकते, तो फाइल न्यू के द्वारा नहीं करेंगे, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके ओपन होंगे ओपन करने के। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर नोन एज इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, कौन सा प्रेजेंटेशन के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इम्प्रेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है 52 नंबर का, दिस इज द मेन्यू कमांड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड। ठीक है, किसके द्वारा हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, तो 52 नंबर में लिखा है किसके द्वारा, व्यू और टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा हम लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, यू कैन टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू द पावर पॉइंट स्लाइड बट टाइपिंग इन द टेक्स्ट इज मोर कॉन्वीनियंट। ठीक है, तो यहाँ पूछे कौन सा सही नहीं है, फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू यू कैन सिलेक्ट, ये तो कर सकते हैं, यू कैन व्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नॉर्मल स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो व्यू, यू कैन शो हाइड और स्लाइड, बिल्कुल सही है, बस एक वाला ऑप्शन है हमारा गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पूछा इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है, तो आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। ठीक है, तो क्या कहलाता है हमारे यहाँ पे ये वाला इफेक्ट, ये हमारा कहलाता है ट्रांजिशंस। नेक्स्ट है 55, इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन व्हाट इज ट्रिगर। ठीक है, वो पूछो ट्रिगर क्या होता है, तो एन आइटम ऑन द स्लाइड परफॉर्म एन एक्शन इज क्लिक्ड। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ट्रिगर कहलाता है। नेक्स्ट है, इन विच मेन्यू आर द कमांड कॉल्ड मैक्रो फाइंड। ठीक है, किस मेन्यू में होता है, ये वाला क्वेश्चन दो तीन तीन तरीके से पूछा जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, किसमें आपका ये टूल्स रहता है इसमें। ठीक है, आंसर रहेगा टूल्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो वो होता है 999.9।
ठीक है। नेक्स्ट होता है 58 नंबर का क्वेश्चन है, विच अलाइनमेंट इज नॉट देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, तो जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट नहीं होता है। ठीक है, जस्टिफिकेशन क्या होता है, जो चारों तरफ से आपके पेज को सेट करता है, जैसे कि ये रहा आपका जस्टिफाई, ठीक है, तो यहां पर आपका रहेगा जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट है 59 नंबर का क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की यूजफुल टू पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इन इम्प्रेस। ठीक है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की पूछ रहे हैं, तो होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट, हमारी पेस्ट अनफॉर्मेटेड की शॉर्टकट की होती है, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, इसके द्वारा हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ फाउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, प्रेजेंटेशन, ड्रॉइंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या फिर ऑल, तो आंसर रहेगा इसमें आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये रहे आपके पार्ट टू में टॉप 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो 60 प्लस क्वेश्चन आज हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, 50 प्लस क्वेश्चन। वीडियो को अगर अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, तो आज शाम को आप लोगों को एचटीएमएल के टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो भी इसका उसका भी आपका एक पार्ट वन रहेगा, और फिर आप लोगों को मिलेंगे पार्ट टू, और जो टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे वो आप लोगों को मैंने बता दिया शाम के 7 बजे तक मिल जाएंगे। ठीक है, 7 या 8 तक आपको जब भी मिलेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगी। बाकी हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, इस पर सारे आप लोगों के लिए क्वेश्चन वगैरह यहाँ अपलोड हो रहे हैं, तो इसका भी आप लोग फायदा उठाइए, और यहाँ से आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोड करके रख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेली वेबसाइट पर विजिट करिए। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और इन प्लेलिस्ट के द्वारा आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, बाकी आपको पता ही है कि चैनल पर आप लोगों की तैयारी शुरू करवा दी गई है, 8 बजे आपको पाइथन की मिलेगी, मॉर्निंग में 9 बजे आपको M1 की मिलती है, आज इस टाइम मिल रही है, और इसके बाद आप लोगों को जो हमारे M2R5 की रहेगी वो 7 बजे मिलेगी, 8 बजे आप लोगों को IoT की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।